आपके साथ बात करना चाहती हूँ अबाउट अ चाइनीज प्लेटफॉर्म कॉल्ड एज टिकटॉक और हलो। ये दो प्लेटफॉर्म्स भारत के कोने कोने में प्रसिद्ध है। ये प्लेटफॉर्म पर भारत का आम आदमी से लेके भारत की सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज प्रेजेंट है। जी हाँ, दीपिका पादुकोण इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी थी जब उन्हें छपाक फिल्म प्रमोट करनी थी, वो फिल्म जहाँ पे एक एसिड अटैक सर्वाइवर की कहानी दर्शाने का उन्होंने प्रयत्न किया था। मगर आज वही प्लेटफॉर्म पर एक कोई इन्फ्लुएंसर है, फैजल सिद्दीकी नाम का इंसान, जो एक्चुअली एसिड अटैक को प्रमोट कर रहा है इस प्लेटफॉर्म द्वारा। इस प्लेटफॉर्म पर वीडियोस है जहां पर बलात्कार को प्रमोट किया जाता है। इस प्लेटफॉर्म पर वीडियोस है जहां पर छोटे छोटे बच्चे किस कर रहे होते हैं। तो मुझे समझ नहीं पड़ता कि भारतीय संस्कृति से अगर आपको नहीं जुड़ना, मगर आपको अपने बच्चों को ऐसी संस्कृति से जोड़ना है जहां पर वो एक औरत का बलात्कार करे या एक औरत के ऊपर एसिड फेंके, वो कैसी सोच है। मगर ये सोच लिबरल्स की है, फेमिनिस्ट की है, क्योंकि किसी ने भी अभी तक टिकटॉक को बैन करने के लिए मुहिम नहीं चलाया, क्योंकि टिकटॉक और हेलो को बैन करने से उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा। भारत के अंदर फेसबुक भी एक विदेशी प्लेटफॉर्म है जिसकी सिस्टर प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम, यूट्यूब भी एक विदेशी प्लेटफॉर्म है, ट्विटर भी एक विदेशी प्लेटफॉर्म है, मगर इन सब प्लेटफॉर्म से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध प्लेटफॉर्म है टिकटॉक और हलो, जहां पर ऐसे अश्लील वीडियोस दिखाए जाते हैं। टिकटॉक के ऊपर शिल्पा शेट्टी टाइप के सेलिब्रिटीज भी हैं और हमारे घर में काम करने वाले नौकर भी हैं। सब लोग इस प्लेटफॉर्म का बहुत ही सही तरीके से फायदा उठाते हैं, मगर ये फायदा क्या सही फायदा है, ये मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ। क्योंकि हमारे देश भारत के अंदर अगर बलात्कार होता है, अगर एसिड अटैक होता है और ऐसे चीजों को ये प्लेटफॉर्म पर ग्लोरीफाई कराया जाता है, तो ये प्लेटफॉर्म को बंद करना आवश्यक है। क्योंकि भारत के अंदर फेसबुक के ऑफिशियल्स राष्ट्रवादी लोगों के पेजेस डिलीट कर देते हैं, जैसे मेरा पेज डिलीट कर दिया, मगर ऑब्वियसली भारत के अंदर टिकटॉक इंडिया के ऑफिशियल्स या हेलो के ऑफिशियल्स ऐसे वीडियोस को डिलीट क्यों नहीं करते जो एक्चुअली एसिड अटैक को प्रमोट कर रहे हैं या बलात्कार को प्रमोट कर रहे हैं या छोटे बच्चों को किस करने के लिए किस करने के लिए वो कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं। आप इमेजिन करिए, छोटे बच्चे जिनको एक्चुअली अपनी संस्कृति के बारे में समझना चाहिए था, वेदा समझना चाहिए था, पुराना समझना चाहिए था, या बैठ के सिंपल चिल्ड्रन की तरह अपने स्कूल की बुक्स पढ़नी चाहिए थी, वो लोग एक्चुअली एक दूसरे को किस कर रहे हैं और ऐसे वीडियोज दिखाए जाते हैं टिकटॉक के प्लेटफॉर्म पर। मगर अभी तक टिकटॉक को बैन करने के लिए कोई मुहिम नहीं चलाया गया है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है एज अ आत्मनिर्भर भारतीय, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए भारत के अंदर स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। भारत के अंदर ये विदेशी प्लेटफॉर्म्स को लाना और ये विदेशी प्लेटफॉर्म्स को भारत की प्रजा से पैसा कमाने का मौका देना बहुत ज़्यादा गलत है। हमारे देश में ऑब्वियसली कोरोना वायरस को फाइट करने के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया गया है, बहुत कुछ कोशिशें की जा रही है बाय द सरकार टू काइंड ऑफ बिल्ड द इकोनॉमी, मगर ये इकोनॉमी को स्वदेशी बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए, सबसे पहले हमें विदेशी प्लेटफॉर्म्स को भारत से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़माना सोशल मीडिया का है और सोशल मीडिया के माध्यम को बहुत सारे यंगस्टर्स यूज़ करते हैं और ये यंगस्टर्स को एक्चुअली बलात्कार करना, एसिड अटैक करना, ये सब सिखाया जा रहा है इन प्लेटफॉर्म्स द्वारा, स्पेशली टिकटॉक और हेलो द्वारा। मैंने बहुत सारे पॉलिटिशियंस के वीडियोस भी देखे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो मैंने देखा है कि सब काइंड के लोग इस प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट है और ये प्लेटफॉर्म को एक्चुअली हमें बैन करना चाहिए। आप और मैं ऑब्वियसली सोशल मीडिया के द्वारा बातचीत कर सकते हैं और अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं उन लोगों के अंदर जो इन प्लेटफॉर्म पर नहीं है, मगर उनको भी पता चलना चाहिए कि इन प्लेटफॉर्म द्वारा कैसे नेगेटिव विचारों का प्रमोशन किया जाता है। भारत की कोई भी एक रेस्ट फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट बैन टिकटॉक करके मुहिम नहीं चला रही है, क्योंकि ये चलाने से उसकी कोई फिल्म का प्रमोशन नहीं होगा, मगर ऑब्वियसली भारत की कोई ए ग्रेड एक्ट्रेस टिकटॉक के ऑफिस जाकर वो प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ जाएगी अगर उसे छपाक फिल्म प्रमोट करनी है, मगर छपाक फिल्म जो एक्चुअली एक एसिड अटैक सर्वाइवर के ऊपर बनी थी, वो पिक्चर की हीरोइन ने अभी तक ऐसे एसिड अटैक वाले वीडियोस के ऊपर कुछ नहीं कहा है। सो दिस इज द दोगलापन ऑफ ऑल द फेमिनिस्ट एक्ट्रेसेस इन बॉलीवुड एज वेल एज ऑल द फेमिनिस्ट पत्रकार इन द न्यूज टेलीविजन चैनल एरिया, बिकॉज कोई भी फेमिनिस्ट ने, जो न्यूज जर्नलिस्ट है, उसने आज तक टिकटॉक के ऊपर ऐसे गंदे अश्लील वीडियोस जो बनाए जाते हैं टू प्रमोट क्राइम अगेंस्ट वीमेन, वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, उसके ऊपर कभी भी कोई डिबेट नहीं करी है। तो एज अ भारतीय जो ऑब्वियसली आत्मनिर्भर भारत चाहती है, एज अ भारतीय जो चाहती है कि भारतीय संस्कृति को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ महिलाओं की भी सुरक्षा हो, वो चाहती है कि टिकटॉक को बैन करना चाहिए। और मेरी ये दरखास्त है टू भारत सरकार की, प्लीज बहुत हो गया, आप कभी ना कभी तो कभी कोई रूल्स या रेगुलेशंस लाइए कि किस तरह से हम ऐसे
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल करे भारत के अंदर, वरना भारतीय संस्कृति की तो मिट्टी प्लीत हो जाएगी, और साथ साथ में भारत के अंदर जितने क्राइम्स बढ़ेंगे उनका तो हम आई थिंक इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते. सो लेट्स होप कि भारत सरकार डज समथिंग टू एंड दीज विदेशी प्लेटफॉर्म्स जो एक्चुअली ऐसे गंदी विचारधारा को प्रमोट करते हैं, एंड स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स को डिवेलप किया जाए. नमस्ते, जय हिंद.